इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, यस और नॉट, आपके क्या एटीट्यूड है, अंडरस्टूड? इंडिविजुअल, हाँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए, इंडिविजुअल एटीट्यूड। दो चार बार इंटरेक्ट किए, बिहेवियर गेट चेंज। सो I said that and uses a decision making. It is in a playing an important role in decision making, and at the same time we have seen it is in a showing an individualized map, individual attitude, and then it is talking about decision making and individualized mental map. Understood? And then I said that behavioral geography is supported by gestalt view, which focuses on the study as a whole. उन्होंने बोला कि यदि आप as a whole if you study, then it will be the best. और इट इज नॉट ईजी फर्स्ट, क्रिटिसाइज भी हो गया और साथ में एज अ होल कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हम लोग जब भी बिहेवियरल ज्योग्राफी मेंटल मैप पढ़ेंगे, आई कांट बी फॉर द होल रीजन, आई कैन बी एन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। पीपल आर कॉन्सियस एंड हैव रीजनिंग एंड आर पर्पसिव। पीपल क्या है? कॉन्सियस है, रीजनिंग भी है, दे सेड व्हाई एंड हाउ, एंड देन आर सम पर्पस। ये याद रहेगा, कॉन्सियस, रीजनिंग, लाइफ में सब पर्पस। यस, कॉन्सियस अबाउट द फार्मर इज कॉन्सियस अबाउट व्हाट? एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन एंड ऑल, टाइम टेबल कैसा रहेगा, दे स्टार्ट फाइंडिंग रीजनिंग दिस टाइम हाउ मच रेन फॉल एंड ऑल। यस, रीजनिंग दे है दिस, ओके दिस टाइम दिस मच रेनफॉल, good good happy, and then purpose has been, so purpose is what is it, like getting a good production, and aapka purpose bhi aisa hi hai, conscious hai, reasoning hai, preparation, what to study, what not to study, how to approach, everything is there, and then finally your purpose is something, so purposive. Behavioral approach from perspective of individuals whose decision affect locational and distribution pattern. To ye kis perspective mein hai? It is from the perspective of individuals whose decisions affect locational and distribution. So, ये completely हम लोग किसके perspective में जा रहे हैं? Individual perspective. Only individual. यहां attitude है, यहां पर इस individual का attitude से हम लोग को क्या दिख रहा है? One finding locational and behavioral distribution, distribution pattern of nodes and all. Understood? And then devise an empirical and theoretical sound statement. और इसका स्टेटमेंट जो दिखता है लुकिंग लाइक सम एम्पिरिकल है, यस और नॉट? इफ आई एम स्टडिंग योर मेंटल मैप, आई एम स्टडिंग एंड देन सबके डिसीजन को लिख रहा हूं, इट इज एन एम्पिरिकल और नॉट? यस, इट इज एन एम्पिरिकल। इट इज एन व्हाट? एम्पिरिकल, अ सेट ऑफ एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल साउंड स्टेटमेंट। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? फर्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल इन एवरीडे लाइफ, सेकंड वन इज इन हेल्पिंग इन द डिसीजन मेकिंग, मैन इज इन व्हाट? Active one to process the decision making, and it is an individualized mental map, and it is a gestalt has said that it should be like as a whole, and it is and then people are conscious and are taking reasoning, and then they are also purposive, and then finally perspective of individual, perspective and philosophy of individual helps in making what I said, that location and distributional pattern. Attitude of individual, and then last one we have seen, it is an empirical and theoretical based theories. And next one I said that kya dekh raha hu, role of geographers. Understood? Yes, behavioral geography, iska matlab aap साइड साइड में लोकेशनल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, यू आर अंडरस्टैंडिंग लोकेशनल एनालिसिस। वन, द रोल ऑफ ज्योग्राफर्स इन द लैंडमार्क डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी, द फर्स्ट पॉइंट आई सेड बिफोर 60s, बिटवीन 65 टू 71, एंड देन आई सेड 71 टू 82। याद है ना, 82 में फाइनली हु हैज गिवन द एजम्पशन? गोल्ड हैज गिवन, एंड उसके बाद बोला गया था इतना मल्टी डिसिप्लिनरी, यस आर नॉट? इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। सो फर्स्ट वील सी हैगरस्ट्रैंड, हैगरस्ट्रैंड, और इसके बारे में आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था, ओके?
जस्ट मेकिंग यू रिमेम्बर फर्स्ट, जो से आप याद कर सके। हैगरस्टैंड ने लोग रूरल एरियाज में ओपन डिफिकेशन इज दिया, अंडरस्टूड। उसके बाद वो उसको डिफ्यूज कर देते हैं रिवर वाटर में, क्या कर देते हैं वो धो लेते हैं, फिर उसके बाद सारा रिवर वाटर में वो डिफ्यूज होके चला गया। हमने क्या बोला, स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। और आपके मैंने बताया था आज स्टार्टिंग में ही, मैंने सोचा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आई हैव डिस्कस्ड। इनोवेशन इज द इनोवेशन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, यस आर नॉट? गोइंग वन टेक्नोलॉजी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड देन वन रीजन टू अनदर, इट इज एन स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। एंड हाउ इट कुड बी पॉसिबल? थ्रू द माइग्रेशन, थ्रू द व्हाट? यस, तो हमारा एक बिहेवियर, हमने आज हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए जा रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग हैविंग मोर टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ होम, स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। आर यू एग्री विद दिस? सो वन कंट्री ट्रांसफरिंग माइग्रेटिंग द अनदर कंट्री एंड देन वी कैन बी एबल टू सी द मैन्स ओन डिसीजन इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन एंड दैट हेल्प इन द व्हाट इज इन स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एंड दैट इज हेल्पिंग अस टू ईस्टर्न मी टू गेट द नॉलेज। इनोवेशन इस रीजन से, दिस रीजन इज, दिस बिहेवियर इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हमारी बिहेवियर एंड अमेरिकन बिहेवियर्स, वन इट इज ओवर, देयर इज अ चेंज इज द नाउ स्लोली स्लोली टेक्नोलॉजी इज व्हाट इज स्पेशियल डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। हु हैज गिवन? मॉर्निंग में हैगरस्टैंड, याद हो गया? नेक्स्ट वन आई सेड दैट गिलबर्ट व्हाइट, आई हैव डिस्कस विद यू, एंड देन आई सेड दैट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हैजार्ड्स एंड अडैप्टेशन ऑफ मैन टू हैजार्ड्स। अंडरस्टूड? गिलबर्ट व्हाइट, वहां पे फ्लड के बारे में बात किया था, तो इन्होंने बोला कि हाउ डू द मैन विल टेक एन अ व्हाट डिसीजन रिस्पॉन्स टू द फ्लड एंड देन आफ्टर दैट हैजार्ड से कैसे वो मैनेज करते हैं। यस आर नॉट? एडेप्टेशन ऑफ मैन टू हैजार्ड्स। इफ द साइक्लोन कम्स इन द ब्राजील, लोगों को क्या होगा? देयर विल बी डिजास्ट्रस। इफ द साइक्लोन कम्स इन द उड़ीसा, वी हैव एन एडेप्टेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो and we know that what is the impact. Abhi 2006 mein Brazil cannot have what? Brazil is not the reason of cyclone, tropical cyclone. And what 2006 mein what happened? Cyclone, no preparation, no prevention strategy, no management. So what happened? Largest amount of disaster took place. Understood? So which are the two we have seen in the 1960s around? Hagelstrand and गिलबर्ट व्हाइट। गिलबर्ट, यस, गीला हो गया। नेक्स्ट वन कड़कड़ कड़कड़ कर्कट कर्क, विच वन आई सेड कर्क, प्रॉब्लम्स ऑफ, और जब कर्क होता है तो प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल इन्वायरमेंट एंड बिहेवियरल इन्वायरमेंट। यस, कर्क, actual environment, I said that finding the relation between actual environment and, so actual environment is something, world of real world, and then uske baad aap what you are creating, mental map, your mental map and other mental map, everyone is will have, so uska relation dikhana is sabse bada problem hai. Problem of what it is na? Making, problem of making relation between actual environment and, yes, behavioral environment means actual world and one your what? World of mind. World of mind. Clear? मुझे तो याद भी कराना है, कड़कड़ कड़कड़, फिर उसके बाद actual pressure, उसके बाद वो आप ही समझ सकते, और कोई नहीं समझ सकता। Those who are under the pressure, it is an actual environment, your environmental map. Understood? एंड एक्चुअल आउटसाइड, कड़कड़ कड़कड़ जब हो जाता है, फिर बोथ द पीपल, टू पीपल आर देयर, वन इज नॉट अंडर द प्रेशर एंड अदर इज अंडर द प्रेशर। हु इज अंडर द प्रेशर, देयर एनवायरमेंट इज व्हाट? बिहेवियर एनवायरमेंट इज डिफरेंट एंड हु इज नॉट अंडर, लेकिन आफ्टर रिलीजिंग बोथ द एनवायरमेंट बिकम, सो इट इज वेरी हार्ड टू मेक इन अ व्हाट रिलेशन बिटवीन, कर्क हैज सेड रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एनवायरमेंट एंड एक्चुअल एनवायरमेंट। कैन यू रिमेंबर नाउ? कर्क, गिलबर्ट व्हाइट, adjustment of hazards and response to the hazards, and then Hagerstrand, it is in a special diffusion of innovation, and then Wolpert, padhe bhi padha tha aapne Wolpert, satisfier na? Yes or not? Wolpert is Julian Wolpert, satisfier, and then Wolpert, I say, explained
farming in central Sweden and criticized optimizer principle of economic stability and adapted satisfier principle. Samajh mein aa gaya? So the during the 60s, isme se Hagerstrand, Gilbert White, Hagerstrand, Gilbert White, Kirk and Wolpert during the 60s. And then from the 65 to 71 we have Alan Praed. Kaun dekh rahe? And what the Alan Praed has given? 67-69 yaad hai? Alan Praed has given behavioral matrix, Murphy. Yes. Explained influence of motivational variables and special behavior. Kaun sa? Motivational. Kaun sa hai? Motivational variables and special behavior. Yadi barfi milega to kaisa hoga? बर्फी मिलने के बाद मोटिवेशन बढ़ जाता है. नहीं, वन स्वीट इज देयर एंड आफ्टर ईटिंग दिस बर्फी. सो आई सेड दैट एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशनल बिहेवियर. एंड इफ द पर्सन इन द वर्ल्ड इज लाइक अब्राहम लिंकन, इफ द पर्सन इज लाइक आई सेड दैट बिस्मार्क, इफ द पर्सन इज लाइक समवन हु इज वेरी मच, सो मोटिवेशनल बिहेवियर कैन अफेक्ट इन अ गिवन स्पेशल रीजन स्पेशल बिहेवियर. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड आई सेड दैट. So Murphy, who has said that? Murphy. याद हो गए? समझ में आ गया? Murphy याद होते बर्फी. एक बार पढ़ोगे तो फिर दो तीन बार में आ जाएगा. Murphy, बर्फी, बर्फी means motivational behavior. I said that influence of motivational variables on Peter Gold applied behavioral techniques to space searching. Gold क्या करते हो आप लोग? Try to search in the space. Gold, you try to search in the space. So I said that behavioral techniques to space searching. Behavioral technique ye ki is space mein kya ho raha hai? Space searching. In this space, in this space, in this space, how you are behaving? Yehi to bola tha, behavior and location. Behavior and to location. Space mein search karna hai ki what is happening in this space, what is happening in this space, what is happening. To inhone kya applied behavioral techniques. Simple. Jo humne Peter Gold ne behavioral matrix mein applied, what is it? क्या करना? बिहेवियरल टेक्निक्स इन विच स्पेस सर्चिंग. वेरी सिंपल. अंडरस्टूड? तो यहां पे कौन कौन सा देखा? मिस्टर प्रेड, मर्फी एंड पीटर गोल्ड. यस, पीटर गोल्ड को क्या याद रखोगे? गोल्ड सर्च, मर्फी मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशनल बिहेवियर एंड देन एलन प्रेड. यू मस्ट बी नोइंग हु इज दिस. देयर आफ्टर क्लार्क and Murray explained the genesis of inter-urban residential mobility by inclusion of behavior concept. Explained the genesis of inter-urban residential mobility. Ek urban area se dusre urban area mein, I said that residential mobility by inclusion of behavior concepts. Ek region se dusre jagah mein aap jaoge, shift इंटर अर्बन रेजिडेंशियल मोबिलिटी. रेजिडेंशियल मोबिलिटी आई एम सेइंग दैट. क्या आपका बिहेवियर चेंज होता है? इंक्लूजन ऑफ बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सिटी फ्रॉम बिहार, सम सिटी फ्रॉम हियर एंड स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली, आफ्टर सर्टेन पीरियड बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा. यस, इंटर अर्बन रेसिडेंशियल मोबिलिटी. इंटर अर्बन, वन अर्बन एरिया टू एनादर अर्बन एरिया, रेसिडेंशियल मोबिलिटी. अंडरस्टूड? एंड देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी यस इंक्लूजन ऑफ बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स. वो आपका एंड एक्सप्लेन दिस जेनेसिस ऑफ इट एंड इट इज इन अ क्लार्क एंड यस. और दिल्ली में कई हर एवरी क्लॉक एवरी डे 500 पीपल कम्स. एवरी क्लॉक बहुत सारे मोर आते रहते हैं. यस, मोर एन एम्पायर नहीं बोला मैंने. आई सेड दैट, समझ में आ गया? क्लार्क एंड मुरे, दैट इज फ्रॉम द 1971 टू 1982. कैन यू रिमेंबर? 60s. अंडरस्टूड? 60s. विच वन आई सेड दैट? फर्स्ट वन हैगरस्ट्रैंड, सेकेंड इज गिलबर्ट व्हाइट, गिले हो गए, कर्क एंड देन वोल्पर्ट. And then I said Alan Praed, 65 to 71, Alan Praed, Murphy, and then I said Peter Gold, and then 71 to 82, Clark and
आप अब ज्योग्राफर्स के नाम मुझसे कुछ, आपको पीटर गोल्ड का नाम सुना हुआ है ना, याद है ना, पीटर गोल्ड, गोल्ड ग्रिगोरी, कुछ नाम जैसे ही सुना हुआ आता है ना तो यू फील कंफर्टेबल, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक तो है कि हाँ दिस इज हैपनिंग, और एक जो आज आपको क्लास में मैंने दिया कि व्हाट इज हैपनिंग इन द डिफरेंट पीरियड। सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस, एंड आपका नेक्स्ट जो है वो लोकेशनल एनालिसिस, एंड इफ आई विल गो मोर इट विल बी, आई नो दैट इट विल स्टार्ट बिकमिंग ओवर, ओके। एंड लोकेशनल एनालिसिस 3-4 पेज का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एंड लोकेशनल एनालिसिस में वी हैव डन सेवरल थिंग्स, ऑलरेडी आई विल से दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। क्रिस्टॉलर आएगा तो बोलेगा आई हैव डन दिस, व्हेन द वेवर विल कम आई हैव डन दिस, व्हेन द एनीवन हु इज कमिंग आई हैव डन दिस। सो इट विल 45 मिनट्स क्लास। टुमारो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एंड विल कम ऑन टू द ऑल्सो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म। तो 80-90% कल ही आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगा, कुछ आपका बचेगा तो वी विल ट्रांसफर इट ऑन डे आफ्टर टुमारो। अंडरस्टूड इट? मजा आ गया? हाँ, चलो।